गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक लंबे समय के बाद थोड़ा सा टाइम हो गया, टाइम नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब आपको रेगुलर शाम को छः बजे डेली क्लास मिलेगी, शाम को 6 बजे, ठीक है? टाइम डिसाइड है, आप अपनी क्लास देखिए। हिंदी शिक्षण विधियाँ चल रही हैं हमारी। आज हम मैं 3 नंबर व्यतिरेकी विधि और भाषा संसर्ग विधि 4 नंबर हम 2 विधियाँ डिस्कस करेंगे और पर डे 2-3 विधियाँ मैं लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँ। और एक अपने पास सफिशियंट टाइम है जिसमें हम तैयारी कर सकें, और तैयारी इस तरीके से करिए कि आपका पेपर आने वाला है। ऐसा मत सोचिए कि लॉकडाउन चल रहा है, पेपर होगा या नहीं होगा, क्या होगा। अगर ऐसा सोचते रहेंगे आप तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना पेपर ही हो पाएगा ना और भी कुछ, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करेंगे व्यतिरेकी विधि। तो पहले हम बात कर लेते हैं व्यतिरेकी विधि में होता क्या है। व्यतिरेकी में क्या होता है कि भाषा शिक्षण में जब 2 भाषाओं को एक साथ स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है, 2 भाषाओं को, जैसे कि मान के चलो हिंदी और इंग्लिश को दोनों को एक साथ स्पष्ट करने का जब प्रयास किया जाएगा, तो ऐसे में है व्यतिरेकी विधि बहुत अच्छी विधि है जिसमें 2 विधियों को एक साथ स्पष्ट किया जाता है। आइए देखते हैं कि मतलब कैसे इसमें हम क्या करेंगे। पहले बालक को दोनों विषयों की समानता और असमानता बताने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए कि अपन इंग्लिश देखिए अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे कि ये मान के चलो इंग्लिश और ये हिंदी, तो हम बालक को किस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में बताइए नाउन होता है और हिंदी में संज्ञा होती है, होता है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए मेरे आपको एक छोटा सा काम तो मेरा करना ही होगा जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। आप मुझे जितना ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी विधियाँ। और देखिए यूट्यूब पे क्या है, एक बहुत भ्रांति चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्याएँ चल रही हैं, जैसे कोई आधा पढ़ा रहा है, कोई समझा के छोड़ रहा है। मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी कराऊँगा, तो बस आपको क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो हम बात कर रहे थे कि समानताएं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश की समानता की बात कर रही, हिंदी और इंग्लिश। तो जैसे हिंदी में नाउन हो गया और इंग्लिश में नाउन हो गया, तो हिंदी में संज्ञा हो गया। ऐसे ही प्रोनाउंस, इंग्लिश में प्रोनाउंस हो गया तो हिंदी में क्या होगा, सर्वनाम। देखिए ये डिजिटल बोर्ड है तो इसकी समस्या पे ना जाएं, अभी थोड़ा सा कोशिश करेंगे, आगे चल के आपका प्यार मिलेगा तो और अच्छी, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, ठीक है? ऐसे ही इंग्लिश में देखें, ये नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब देखते हैं, आगे देखते हैं हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है और हिंदी में विशेषण होता है, ये भी समान हो गया। तो शिक्षक बालक को ही समान चीज़ों की कोशिश करेगा बताने का, विशेषण हो गया। अब इसके बाद में इंग्लिश में बर्व और हिंदी में क्रिया हो गया। ये सारी समान हैं, लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि इंग्लिश में यहाँ इसको इंग्लिश समझें और ये यहाँ इसको हिंदी, है ना? थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। अब इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि हिंदी में हेल्पिंग वर्ब होता है? क्या ऐसा कुछ सुना है? नहीं, तो हिंदी में हेल्पिंग वर्ब जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है? आइए अब इसमें हम लिखने की कोशिश करते हैं, कौन सी विधि में लिखने की कोशिश करेंगे हम, आइए।
बिल्कुल आइए। हाँ, व्यतिरेक की विधि में अपन लिखने को लिखना शुरू करेंगे। व्यतिरेक की विधि, इसको बाद में समझेंगे, अभी इसको छोड़ दें। देखिए, भाषा शिक्षण में जब दो भाषाओं को एक साथ स्पष्ट करने का प्रयास करता है, तो वह उन दोनों भाषाओं को तुलनात्मक रूप से सिखाते समय उनकी समानता और असमानता को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुलनात्मक ऐसी कौन सी विधि है जिससे तुलनात्मक शिक्षण कराया जाता है, तो उसमें व्यतिरेक की विधि ही आएगी। ठीक है, जैसे लिखें अंग्रेजी विषय को, जैसे लिखें अंग्रेजी विषय को भाषा को सिखाते समय जब शिक्षक हिंदी का सहयोग लेता है, तो वह इन दोनों भाषाओं में पाई जाने वाली जैसे कि लिख लें, मैंने जैसा अभी बनाया था ना, ठीक है, पाई जाने वाली समान प्रकार से पाए जाते हैं, जबकि जहाँ अंग्रेजी में सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है उस प्रकार से हिंदी में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से बालक को अन्य भाषा सिखाते समय इस विधि का उपयोग होता है। तो और नीचे लिख लें, जैसे कि कैसे लिखोगे मैं आपको बता दूं, जैसे करके लिख लें, जैसे इंग्लिश और हिंदी, यहाँ लिखें नाउन, यहाँ लिखें संज्ञा, ऐसे प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, इधर में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उसमें कुछ नहीं आएगा, है ना। ठीक है, चलो आइए अब अपन बात करेंगे भाषा संसर्ग विधि की। किस विधि की बात करेंगे? भाषा संसर्ग विधि की। आइए, भाषा संसर्ग विधि 4 नंबर की विधि हम पढ़ रहे हैं। हमने 3 विधियाँ पढ़ ली, उससे पहले भाषा भी हम पढ़ लिए। आपने नहीं पढ़ा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, रीट हिंदी शिक्षा विधियाँ, और बाकी की क्लास देखें, आपको सब समझ आएगा। भाषा संसर्ग विधि में देखिए क्या होता है। हर विधि का भाषा शिक्षण तो कराएंगे, क्या शिक्षण तो होगा ही होगा। तो जब एक बालक को बिना वर्णमाला का ज्ञान कराए, इस विधि में क्या है कि बालक को किसका ज्ञान नहीं कराया जाएगा, वर्णमाला का ज्ञान नहीं कराया जाएगा। सीधा इसको पढ़ना लिखाना सिखाने की कोशिश करेंगे सीधा। अब सोचोगे इससे क्या है कि कम से कम समय में इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या कि जब हम वर्णमाला का ज्ञान नहीं कराएंगे, सीधा लिखना सिखाएंगे तो समय की बचत होगी, समय कम लगेगा, क्या लगेगा, कम लगेगा, समय कम लगेगा। देखिए, जब एक समय था जब बहुत टाइम लगता था हिंदी पढ़ने में, जैसे पहले पीजी क्लास आती है, फिर नर्सरी, फिर LKG UKG, बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आते आते सीख पाता था, सीख ही नहीं पाता था। तो उस समय इस विधि को उपयुक्त समझा। देखिए, इस विधि का सर्वप्रथम भारत में कब प्रयोग हुआ, सर्वप्रथम 1992 में तो इस विधि का देखिए सर्वप्रथम 1992 में प्रयोग हुआ। कब हुआ, फर्स्ट टाइम प्रयोग 1992 में। देखिए, किस परियोजना के अंतर्गत हुआ, तो जैसे पूछ सकता है कि भाषा संसर्ग विधि का प्रयोग किस परियोजना के अंतर्गत हुआ, तो इसमें लोक जुम्बिस
जुम्बिस कौन सी लोक जुम्बिस परियोजना, लोक जुम्बिस परियोजना के अंतर्गत इस विधि का फर्स्ट टाइम भारत में प्रयोग हुआ। भारत देश में इसका भाषा संस्कृत विधि का देखिए प्रचलन शुरू हो गया। तो वर्तमान में एक बालक कम से कम समय में पढ़ना लिखना सीख जाता है, बिल्कुल आप जानती हो। अच्छा, इस विधि के कुछ गुण हैं, कुछ दोष भी हैं। जैसे कि थोड़ा सा हम गुण की बात कर लेते हैं, फिर हम सारा लिखेंगे। मैं पता है आपको कि हर चीज़ लिखा के चल रहा हूँ, नोट्स बनवा के चल रहा हूँ, मैं यूट्यूब की क्लास की तरह नहीं पढ़ा रहा। आप बस मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपको एक क्लास जैसा कि आप 10,000-15,000 रुपये पेड करके जैसा पढ़ते हो ना वैसा पढ़ाऊँगा, और वो ही पढ़ाऊँगा जो पेपर में आएगा। ऐसा नहीं है कि समझा दिया छोड़ दिया लिखाया नहीं। यार आप समझा हुआ कब तक याद रख पाओगे? आपको समझा तो दिया, आपको लिखना तो पड़ेगा ना, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, पेपर में टाइम है, याद कैसे करोगे? शेयर सब्सक्राइब करिए, मैं सब कुछ कराऊँगा। चलिए, भाषा संस्कृत विधि की बात कर रहे थे हम। देखिए अब इसमें हम कुछ गुण देख लेते हैं कि इसमें गुण क्या क्या हैं। देखिए, एक तो समय, कम समय में बालक पढ़ना लिखना सीख जाता है, तो क्या होगा इसमें, बालक कम समय में पढ़ना लिखना सीख जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि कम समय में, कैसे समय में, कम समय में, कम समय में क्या हो गया, बालक ने पढ़ना लिखना सीख लिया। और क्या होगा, जब इसमें व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया जाएगा तो शब्द ज्ञान तो कराया जाएगा ना, तो शीघ्रता से पैदा हो जाता है। तो देखिए, शब्द ज्ञान शीघ्रता से पैदा हो जाएगा, शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान हो गया शीघ्रता से। अब दोष क्या क्या हैं इसके, अब दोष क्या क्या हैं दोष देख लेते हैं। इस विधि का उपयोग करने से बालक में क्या होगा, वर्णमाला का ज्ञान विकसित नहीं होता। तो देखिए, वर्णमाला का ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान विकसित नहीं होगा। दूसरा क्या नहीं होगा, व्याकरण या अशुद्धता पैदा होंगी, क्योंकि हमने व्याकरण का ज्ञान तो कराया ही नहीं इस बालक को। जब व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया तो अशुद्धता पैदा होगी, तो देखिए क्या होगा, व्याकरणीय, व्याकरणीय अशुद्धता। देखिए डिजिटल वर्ड है और थोड़ा सा बड़ा बड़ा आ रहा है, तो इससे तो मैं जानता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरा समझाऊँगा, आप समझने की कोशिश करें, अच्छे से समझाऊँगा, पूरा नोट्स बनवाऊँगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब इस विधि में लिखते हैं, भाषा संस्कृत विधि में लिखेंगे। भाषा शिक्षा में जब एक बालक को बिना वर्णमाला का ज्ञान करवाए, भाषा शिक्षण में जब एक बालक को बिना वर्णमाला का ज्ञान करवाए, जब शब्दों का ज्ञान दिया जाता है, शब्दों का ज्ञान दिया जाता है, और कम से कम समय में बालक को पुस्तक पढ़ना सिखा दिया जाता है, तो वह भाषा संसर्ग विधि होती है, तो वह भाषा संसर्ग विधि होती है। देखिए मैंने जैसा कि बताया कि कम से कम समय में सीधा ज्ञान पैदा हो जाएगा, शब्दों का ज्ञान पैदा हो जाएगा, तो ये कौन सी विधि के थ्रू होता है, भाषा संसर्ग विधि के थ्रू होता है। चलिए आइए देखते हैं, स्टेप बदल के लिखें। सर्वप्रथम 1992 ईस्वी में लोक जुम्बिस परियोजना के माध्यम से, लोक जुम्बिस परियोजना के माध्यम से भारत देश में भाषा संसर्ग विधि का प्रचलन शुरू हुआ, भाषा संसर्ग विधि का प्रचलन शुरू हुआ, और वर्तमान में एक बालक कम से कम समय में पढ़ना लिखना सीख जाता है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि UKG तक आते आते हिंदी इंग्लिश पढ़ना सीख जाता है, तो कहीं ना कहीं इस विधि का बहुत बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि हम छोटे बच्चों को वर्णमाला थोड़ी सिखाते हैं, पढ़ना लिखना सिखाते हैं। चलिए अब लिख लें, इसके गुण लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, गुण लिख लीजिए, गुण क्या लिखेंगे, गुण, चलिए गुण लिखिए। बालक में शब्द ज्ञान शीघ्रता से पैदा हो जाता है, बालक में शब्द ज्ञान शीघ्रता से पैदा हो जाता है, बालक कम समय में पुस्तक पढ़ने लग जाता है, बालक कम समय में पुस्तक पढ़ने लग जाता है। दोष क्या है इसके, दोष लिख लीजिए, दोष लिख लीजिए, देखिए दोष लिख लीजिए, दोष क्या है, दोष हमने आज दो विधि डिस्कस की इस वीडियो में। बाकी हो सकता है कि आपको पर डे 6 बजे क्लास मिलेगी, मिलेगी, कोशिश करूँगा दिन में 2, लेकिन एक क्लास शाम को 6 बजे आपको मिल ही जाएगी,
तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए 6 बजे। और इस देखिए हमारा टारगेट अब की बार रीट पार, इस बार क्या है रीट पार करना है, ठीक है। इस विधि का उपयोग करने से दोष में लिखेंगे, पहला लिखेंगे इस विधि का उपयोग करने से बालक में वर्णमाला का ज्ञान विकसित नहीं हो पाता। हमने कहा ना बिना वर्णमाला के पढ़ाएंगे तो ज्ञान कहाँ से विकसित हो जाएगा, तो इस विधि का उपयोग करने से बालक में वर्णमाला का ज्ञान विकसित नहीं हो पाता। बालक में व्याकरणीय अशुद्धता पैदा हो जाती है, बालक में व्याकरणीय अशुद्धता पैदा हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने 2 विधि पढ़ी, एक बार रिवाइज कर लीजिए। व्यतिरेक की विधि क्या है, तुलनात्मक विधि है, इसमें तुलना करके 2 समानताओं को बताया जाता है और असमानता को बताया जाता है, तो इसमें 2 विधियों का तुलना करके किया जाता है। दूसरी पढ़ी हमने भाषा संसर्ग विधि, इस विधि में देखिए बालक को बहुत शीघ्रता से पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। सर्वप्रथम यह 1992 ईस्वी में लोक जुम्मिश परियोजना के तहत भारत में शुरू हुई। इसमें गुण थे बालक शब्द ज्ञान शीघ्रता से पैदा हो जाता है, शीघ्रता सीख जाता है, बालक कम समय पुस्तक पढ़ने लग जाता है। दोष में था कि व्याकरणीय अशुद्धता पैदा हो जाती है और वर्णमाला का ज्ञान विकसित नहीं होता है। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा, ठीक है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। मैं हिंदी, गणित, संस्कृत, पेडोलॉजी सब लेके आऊँगा, बस मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।